हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने एक और वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, आज का जो शीर्षक है वो है एक्सटर्नल एप्लीकेशन एंड इट्स यूजेस इन द होम्योपैथी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बारे में बहुत सारा जो डाटा है वो हमको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के अंदर सर सैमुअल हैनीमैन बता करके गए हैं, पर हम में से बहुत सारे डॉक्टर्स, अनगिनत नंबर ऑफ डॉक्टर्स उस तरीके को भूल चुके हैं कि वो एग्जैक्ट और सही तरीका क्या है। एंड दैट इज़ वाई जनरली द एक्सटर्नल एप्लीकेशन डू नॉट ओरिएंट सच ग्रेट रिजल्ट्स। ओके, तो शुरू करते हैं। अब एक्सटर्नल एप्लीकेशन क्या होता है कि देयर आर सर्टेन मेडिकेशन स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ मदर टिंचर, जिसको पेट्रोलियम जेली के अंदर मिला के आज की तारीख में फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो होम्योपैथी में काम कर रही हैं, दे आर मेकिंग एन नंबर ऑफ एक्सटर्नल एप्लीकेशन। जैसे कि हमको ग्रेफाइटस देखने को मिलता है, पेट्रोलियम ऑइंटमेंट देखने को मिलता है, एस्कुलस मिलता है पाइल्स के लिए, हेमामिलिस मिलता है ना, उसके अलावा थूजा ऑइंटमेंट मिलता है, इन्फ्लेमेशन के लिए बेलाडोना ऑइंटमेंट मिलता है। तो अभी तो हम ये ऑइंटमेंट यूज़ कर रहे हैं, पर पहले के ज़माने में इसको इन द फॉर्म ऑफ लिनीमेंट यूज़ करा जाता था, लिनीमेंट या मैसीरेट के फॉर्म में यूज़ करा जाता था। ये क्या होता था कि वो जो बेसिकली लार्ड वगैरह जैसी चीज़ें होती थी, जो बेसिकली एक प्रकार का मॉइस्चराइज़र होता था, उसमें से कई बार जो लार्ड है वो चर्बी से बनाया जाता था, या फिर ओल्ड समय में पुराने ज़माने में यूज़ होने वाले जितने भी मॉइस्चराइज़र टाइप के जितने भी चीज़ें होती थी पेट्रोलियम जेली के इन्वेंशन के पहले, तो वो क्या करते थे कि उन होम्योपैथिक दवाओं को उसके अंदर उस मॉइस्चराइज़र जो बेस होता था उसमें मिला के एक्सटर्नली अप्लाई करते थे। अब कारण ये है कि वाई द इन आवर डेज एक्सटर्नल एप्लीकेशन उतना अच्छा रिजल्ट क्यों नहीं पैदा कर रहा, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि हम इस पूरे साइंस का एक बहुत बड़ा रूल को ब्रेक कर रहे हैं। और वो ब्रेक ये है कि ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में हैनीमैन सर ने बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में लिखा था, क्योंकि बहुत पहले पढ़ी थी। जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो अभी BHMS की स्टडी के अंदर लिप्त हैं और जो कर रहे हैं, जो राइट नाउ BHMS पढ़ रहे हैं, शायद वो अफोरिज्म नंबर भी जानते हों, 200 की रेंज में कोई अफोरिज्म है, शायद 270 है, पर मैं भी गलत हो सकता हूँ, है ना, इसके अंदर मैं गलत हो सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत पहले पढ़ा था। बस मेरे को अफोरिज्म की कुछ जीस्ट याद है, मेरे को एग्जैक्टली अफोरिज्म याद नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि जब भी आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो दैट शुड बी अप्लाइड इन द अकॉर्डेंस विद द इंटरनल मेडिकेशन। कहने का मतलब, इफ़ आई हैव अ पेशेंट ऑफ पाइल्स, ठीक है, तो उसको अगर मैं इंटरनली एस्कुलस हिप्पोकेस्टेनम 30 या वो वॉट एवर पोटेंसी में मैं दे रहा हूँ, तभी मैं एस्कुलस का ऑइंटमेंट को एक्सटर्नली पाइल्स के ऊपर अप्लाई करने के लिए दे सकता हूँ। अगर मैं किसी पेशेंट को वार्ट के लिए मैं थूजा दे रहा हूँ, तभी वो मैं उसको बाहर से थूजा एक्सटर्नली अप्लाई करने को दे रहा हूँ, क्योंकि विदाउट इंटरनल मेडिकेशन अगर मैं एक्सटर्नल अप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन कर रहा हूँ तो आई एम डूइंग ओनली वन साइडेड ट्रीटमेंट। मैं वन साइडेड ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं अगर उसने थूजा ने उस पेशेंट के अंदर काम करा तो हो सकता है वार्ट शेड हो जाए, पर इंटरनली हमने थूजा नहीं दी तो ये क्योर नहीं कहलाएगा, ये वन साइडेड ट्रीटमेंट कहलाएगा। और इसको कहते हैं पेलिएशन, कि टेम्परेरीली तो थूजा के प्रभाव में आने के बाद उसका वार्ट झड़ जाएगा, बट बिकॉज ही वॉज नॉट एट द सेम टाइम एडमिनिस्टर्ड विद द सेम मेडिसिन इंटरनली, तो हो सकता है कि भविष्य के अंदर, क्योंकि अब इंटरनल मेडिकेशन दिया नहीं, मतलब वाइटल फोर्स तक कोई भी मेडिकेशन नहीं पहुंचा है, ठीक है ना, और उसी वजह से हो सकता है कि इंटरनल मेडिकेशन ना होने के कारण बॉडी वापस से सिम्टम्स को प्रोजेक्ट करेगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहती है कि द डिजीज शुड बी एनिहिलेटेड फ्रॉम विद इन आउटवर्ड्स। और हमने क्या करा, हमने सिर्फ आउटवर्ड सिम्टम्स को सप्रेशन के करने के उद्देश्य से हमने थूजा एक्सटर्नली लगाया और वो वार्ड जो है वो झड़ गया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आप समझ पाए हैं कि एक्सटर्नल मेडिकेशन को सही और रिजल्ट ओरिएंटिंग तरीके से कैसे यूज़ करना है इन द फील्ड ऑफ होम्योपैथी। तो दोस्तों, बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।